हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में देखो दो वर्ड है, केमिकल और काइनेटिक्स। ठीक है, तो केमिकल और काइनेटिक्स ये दो वर्ड है। केमिकल का मतलब तो पता ही है, केमिकल रिएक्शन। काइनेटिक्स जो है वो क्या है? काइनेटिक्स तो जो वर्ड है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, तो क्या है? मूवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी जो है ये काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट जैसा। तो बोलोगे फिर यहाँ पर मूवमेंट केमिकल रिएक्शन में मूवमेंट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में जो मूवमेंट का मतलब है कि स्पीड या रेट, किस रेट से केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उससे मतलब काइनेटिक का मतलब है स्पीड या रेट। ठीक है, अब देखो इसको स्टार्ट करने से पहले हम तुमको बता दें कि ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे। पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। केमिस्ट आस्क थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन व्हेन दे स्टडी केमिकल रिएक्शंस। केमिस्ट मतलब क्या? मतलब केमिकल, ये केमिस्ट्री का साइंटिस्ट करने का ये मतलब है। तो उसका जो है थ्री फंडामेंटल क्वेश्चन है, जब भी वो कोई भी केमिकल रिएक्शन का स्टडी करता है, कोई भी न्यू केमिकल रिएक्शन जो है उसका अगर स्टडी कर रहा है, तो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस। कोई भी रिएक्शन करेंगे तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना, प्रोडक्ट क्या बनेगा और किस रेशियो में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, व्हाट हैपेंस, कोई भी नया अगर रिएक्टेंट तुम लिया तो। दूसरा क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट हैपन। मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो वो कितना परसेंट जो है प्रोडक्ट में उसका फॉर्मेशन होगा, किस एक्सटेंट तक वो रिएक्शन होगा। सही बात है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस, क्या जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो किस, मतलब किस एक्सटेंट तक होगा। ठीक है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज इट हैपन। थर्ड क्वेश्चन है कि कितना फास्ट जो भी होगा प्रोडक्ट वो कितना फास्ट होगा। ठीक है, तो ये तीन ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े थे, तो वहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और वो बैलेंस किया हुआ है। तो वो अगर तुम्हारे पास है कोई भी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बन रहा है जो भी, और रिएक्शन बैलेंस है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुमको मिल गया। अगर प्रोडक्ट बन गया, मतलब रिएक्शन तुमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट बन जो है प्रोडक्ट दिया हुआ है, बैलेंस भी किया हुआ है, तो तुमको मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हिच आइडेंटिफाइज रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड स्टोइकोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो किससे मिलेगा हमको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मोल कंसेप्ट का जो रिएक्शन बैलेंसिंग जो पढ़े थे हम लोग, रिएक्शन बैलेंस करना और प्रोडक्ट जो भी है, तो उससे मिल गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट हैपन। तो उसका आंसर कहां मिलेगा, ये भी तो क्वेश्चन है कि उसका आंसर कहां मिलेगा। द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी रिएक्शन जो है अगर वो बैकवर्ड भी आ रहा है तो कितना परसेंट है जो वो बन रहा है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चलता है। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रोडक्ट का क्या रहेगा रेशियो, तो वो जो है, इसका मतलब अगर मान लो जैसे 40% है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ये जो है, ये रिएक्शन जो है जो भी, अगर 40% बन रहा है प्रोडक्ट, तो हम ये बोलेंगे कि सिर्फ 40% तक ही वो जा सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, उसका आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम में, अगर रिएक्शन जो अगर टू वे है तो। ठीक है, तो किस एक्सटेंट तक होगा ये केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसका आंसर है। ठीक है, तो वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में उसका आंसर है, इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके बारे में, हाउ फास्ट डज इट हैपन। तो ये जो है इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, द स्पीड और रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पीड और रेट एट विच केमिकल रिएक्शन अकर। मतलब जो ये जो रिएक्शन है, मतलब जिसका भी स्टडी कर रहे हैं साइंटिस्ट, तो उसका क्या स्पीड है, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रहा है, समझ में आया। तो ये जो है इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां पर, इस चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का मीनिंग समझ में आ गया, केमिकल मतलब केमिकल जो भी है रिएक्शन, केमिकल का मीनिंग तो पता ही है, और काइनेटिक्स जो है उसका मतलब है क्या, रेट या स्पीड, किस रेट से वो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों का, ये दो का आंसर तो हमको पहले से पता है, थर्ड का आंसर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन द केमिकल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, ये जो अमोनिया का जो सिंथेसिस है, अमोनिया हमको पता है अमोनिया NH3 बनता है किससे, N2 और H2 से. तो अमोनिया जो है काफी कॉस्टली होता है, अमोनिया जो है काफी कॉस्टली है, यूज एज फर्टिलाइजर के लिए यूज करते हैं, इसीलिए तो कॉस्टली है वो. तो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में अगर अमोनिया का जो है, अमोनिया का मान लो कोई ऐसा कंपनी है केमिकल इंडस्ट्री जिसमें अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अमोनिया कॉस्टली है तो उसको जो है प्रॉफिट तो होगा ही. लेकिन सवाल है कि प्रॉफिट जो है किस पर डिपेंड करता है. तो अब देखो, इन द केमिकल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया डिपेंड्स ऑन द रेट एट विच N2 एंड H2 कैन बी कन्वर्टेड टू अमोनिया. सही बात है, N2 और H2 से ही तो बनता है अमोनिया. तो अब प्रॉफिट जो है कोई भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो डिपेंड करता है कि किस रेट से ये बन रहा है, N2 और H2 से किस रेट से बन रहा है. अगर ज्यादा रेट से बना तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, यही ना. मान लो तुम कोई कंपनी खोला तो सबसे पहले तो तुम ये देखोगे कि जो रिएक्टेंट्स है, जो भी कंपनी में जो रिएक्टेंट्स हम ले रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं, पहला तो ये चीज है. दूसरा है कि वो जो है वो अगर प्रोडक्ट बनता है तो कितना परसेंट आउटपुट मिलता है अपने को, मतलब कितना वेस्टेज जाता है और कितना मिलता है. ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन होता है. मान लो तुमने रिएक्टेंट जो है, प्रोडक्ट जो बना रहे हो, प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट जो है कॉस्टली है, मार्केट में डिमांड है, लेकिन पता चला क्या 1-2% ही प्रोडक्ट मिलता है, बाकी सारा वेस्टेज ही चला जाता है, तो फिर क्या फायदा ऐसा बिजनेस करके. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस रेट, मतलब ये किस एक्सटेंट तक कितना परसेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर तीसरा, फिर ये देखोगे किस स्पीड से वो रिएक्शन होगा. पता चला क्या कि वो रिएक्शन जो है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो जो है बहुत ही कॉस्टली है, लेकिन उसको 6 महीना लग गया एक ही रिएक्शन होने में. तो 6 महीना तक तुमको तो जो है 6 मंथ तक तुमको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, लेबर का जो भी है उसका सब देना पड़ेगा, बिजली बिल, इलेक्ट्रिक बिल जो भी है, तो तुमको जो है एक्सपेंसेस तो 6 मंथ तक होगा. तो अगर ऐसा रिएक्शन है कि बहुत ही स्लो है तो फिर तो उसमें प्रॉफिट कम होगा ना. तो इसीलिए ये भी जानना जरूरी है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है. जैसे मान लो तुम यहाँ से घर जाओगे तो डिस्टेंस फिक्स है, लेकिन तुम अगर मान लो तुम्हारा घर 200 किलोमीटर है और पैदल चलोगे तो फिर कब तक पहुंचोगे. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम किस रेट से जा रहे हो, ठीक है, तो किस रेट से जा रहे हो तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. समझ में आया. तो ये जो है अमोनिया का एग्जाम्पल समझ में आ गया, N2 और H2 से अमोनिया बन रहा है. अब देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमको तो अमोनिया चाहिए ना, ये तो नहीं चाहिए ना, ये तो रिएक्टेंट है, हमको चाहिए अमोनिया. और केमिकल जो है, केमिकल रिएक्शन हमको पता है कि प्रोडक्ट का जो ये है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हमको पता है कि प्रोडक्ट का जो भी इसका नेचर है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो भी नेचर है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है. नहीं तो ऐसे तो ये N2 नेचर में अवेलेबल है और H2 भी है अवेलेबल, तो फिर तो सॉइल को जो है, मिट्टी के टच में है N2 भी और H2 भी, तो फिर तो उसको अमोनिया का जरूरत ही नहीं पड़ता, वो फर्टिलाइजर का काम अपने आप ही कर लेता. लेकिन ऐसा नहीं होता. ऐसा होता है क्या? क्योंकि N2 और H2 का प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है, अमोनिया का प्रॉपर्टी डिफरेंट है. ये केमिकल रिएक्शन का मतलब ही है कि रिएक्शन के बाद जो है प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है. तो हमको अमोनिया चाहिए सॉइल को, मतलब मिट्टी को अमोनिया चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, तो इसको बनाना पड़ेगा ना. और इसको जो है ये रिवर्सिबल है, इसलिए इसको बनाना, ये हम लोग वहां पर पढ़े थे केमिकल वीडियो में, इसको ये रिवर्सिबल है तो इसको जो है क्या होता है, ये बनते ही इसको वहां से निकाल लिया जाता है. तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, ये मतलब एक्सपेंसेस जो है इसमें बहुत ज्यादा है, ये इसको बना करके, मतलब इसको यहां से सेपरेट करना, तो वो कॉस्ट आता है ज्यादा, इसलिए कॉस्टली बिकता है. तो अब अगर मान लो कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो चल रहा है, 6 मंथ तक चलते रहा, तो फिर तो कंपनी लॉस में जाएगी ना, ठीक है. इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन साथ में कितना फास्ट बन रहा है, किस रेट से बन रहा है, वो भी जानना जरूरी है, नहीं तो कोई पैसा क्यों लगाएगा कंपनी में, ठीक है. तो ये रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन हो रहा है, इसका आंसर मिल गया. ये फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि
N2 और H2 से क्या बनेगा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर NH3। देखो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये अभी बैलेंस नहीं है, ये यहाँ पर कितना रखें, 2 और यहाँ 3, है ना, तो अभी बैलेंस हो गया। तो ये जो है ये रिएक्शन बैलेंस है। अभी हमको ये पता है कि हमको एक मोल ये चाहिए, 3 मोल ये चाहिए, तो ये बनेगा 2 मोल, मतलब इस रेशियो में, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया, अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर केमिकल इक्विलिब्रियम में मिलेगा, इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो भी होगा वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर बताएगा कि कितना इसका होना चाहिए, कितना इसका जो है प्रोडक्ट आएगा, किस रेशियो में ये आएगा, ठीक है। और फिर ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। अब रेट के बेसिस पर जो है केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस, ये बहुत ही फास्ट है। कोई ऐसा रिएक्शन है जो बहुत ही फास्ट हो रहा है, ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है। तो बहुत ही फास्ट का मतलब क्या, एक ही झटका में हो गया। हमने रिएक्टेंट ऐसे टच, मतलब 2 रिएक्टेंट है अगर मान लो, या 3, सबको ऐसे रखा किसी भी टेस्ट ट्यूब में, या मतलब जो भी है जिसमें हम रिएक्शन करना है हमको, बीकर में, तो उसमें रखा और वो एक ही बार में एक झटके में रिएक्शन हो गया, तो बहुत ही फास्ट है वो। इंस्टेंटेनियस मीन्स इंस्टेंटली, एक ही इंस्टेंट में जो है वो हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही जल्दी हो गया। जनरली आयनिक रिएक्शन कम्स इन दिस कैटेगरी, तो जनरली जो है आयनिक रिएक्शन जितने हैं वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन कम्स इन दिस कैटेगरी विच टेक्स ओनली अप्रोक्स, देखो कितना कम है, 10^-15 सेकेंड, अब समझ रहे हो, 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तो इतना कम टाइम है, 1 सेकेंड से भी देखो कितना कम है, तो ये -15, समझ रहे हो कि इतना कम टाइम लेता है, मतलब ये टच में आते ही बस रिएक्शन हो गया, आयनिक जो रिएक्शन है, ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा है, जनरली आयनिक रिएक्शन कम्स इन दिस कैटेगरी विच टेक्स ओनली अप्रोक्स 10^-15 सेकेंड टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये बहुत ही कम टाइम ले रहा है कंप्लीट होने के लिए रिएक्शन, सो इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द रेट ऑफ सच रिएक्शन। तो अगर इतना फास्ट अगर रिएक्शन होगा तो उसका रेट हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट हुआ डेंजर, तो किस रेट से एक्सीडेंट हुआ ये तुम पता कर सकते हो, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो कितना किस रेट से हुआ, इतना ज्यादा फास्ट है वो रिएक्शन कि उसका रेट नहीं पता कर सकते हम। तो यही बात है यहां भी, एग्जैक्ट रेट हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसका जो एग्जांपल्स है, अभी आयनिक रिएक्शन है ना, आयनिक रिएक्शन आता है इस कैटेगरी में, और एसिड बेस का भी रिएक्शन आता है इस कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे ये AgNO3 और NaCl से बनता है, ये NaNO3 और AgCl जो प्रेसिपिटेट होकर के ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, और ये Ag+ और NO3- में, तो ये जो है आयनिक रिएक्शन है, आयन्स मिल रहे ना, तो ये आयनिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये है एसिड बेस, तो एसिड बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही फास्ट है रिएक्शन, ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट है, तो ये आएगा किसमें, वेरी फास्ट, मतलब इस कैटेगरी में ये। अब नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन, तो इसका जस्ट रिवर्स है, ये था बहुत ही फास्ट और ये है बहुत ही स्लो। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल कंडीशन। तो ये जो है इस कैटेगरी में कौन सा आएगा, बहुत ही स्लो, इसमें जो है जनरली क्या है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर जो है अगर कोई रिएक्शन बहुत ही स्लो है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है और रूम टेम्परेचर है, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अब देखो पता ही अपने को, ये जो है आयरन का जो रस्टिंग है ये बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। हम ये सोचेंगे कि कल तक जो है, कल तक में हमारा जो है दिख जाए रस्टिंग, वो नहीं दिखेगा, 2-4 दिन में भी नहीं दिखेगा, बहुत लॉन्ग टाइम का है ना ये। तो ये जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। फिर ये दूसरा है, ये रिएक्शन CO+2H2। अब देखो ये रूम टेम्परेचर पर जो बन रहा है ये मिथेनॉल, अब ये कैसे बनता है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो ऑर्गेनिक में है, बट यहाँ पर ये बस है कि ये जो बन रहा है बहुत ही स्लो बन रहा है रूम टेम्परेचर पर, बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो इसको हम रखेंगे इसमें वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में, क्लियर है। तो यहां तक तो
सब बेसिक है ना, यहां तक तो क्लियर है ना? ठीक है, चलो इसको लिख लो। चलो आगे लिखो नोट में, द केमिकल रिएक्शन कैन बी स्लोड डाउन और स्पीडेड अप बाय चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन। अब देखो, कोई भी रिएक्शन को जो है हम स्लो कर सकते हैं या उसको जो है उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे? रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल, अभी अभी देखे हैं, तो ये जो था ये क्या था? वेरी स्लो प्रोसेस। अभी देखे ना, द फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम CO एंड H2 कैन बी स्पीडेड अप बाय फॉलोइंग कंडीशन। तो अभी देखे हैं, ये जो था ये CO प्लस H2 से बन रहा था मिथेनॉल, ये था बहुत ही स्लो प्रोसेस, ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो था बहुत ही स्लो प्रोसेस। अब ये जो रिएक्शन है CO प्लस 2H2 से जो मिथेनॉल बन रहा है, इसको जो है स्पीड किया जा सकता है। अभी अभी जो था वो क्या था? रूम टेम्परेचर पर। तो रूम टेम्परेचर पर वो बहुत ही स्लो था, लेकिन उसको स्पीड किया जा सकता है। कैसे? अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया 400 डिग्री C। ये प्रैक्टिकली ऐसा करके देखा गया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो कितना हाई टेम्परेचर है, और ये कैटलिस्ट जो है ZnO और Cr2O3, तो ये कैटलिस्ट जो है ये यूज किया गया है। देखो, हर रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि सेम कैटलिस्ट यूज होगा, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट है, और हर रिएक्शन में कोई जरूरी नहीं है कि कैटलिस्ट जो है वो वर्क करेगा। तो ये सब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट इसमें बेस्ट जो है, इसके लिए बेस्ट सुटेबल जो है, और मोस्टली जो है कैटलिस्ट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसका वो मतलब वो एलिमेंट्स या उसका जो है कोई कंपाउंड, जैसे इसमें देखो जिंक और ये क्रोमियम, तो ये डी ब्लॉक का है मेटल्स, ठीक है, डी ब्लॉक में, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स है उसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसीलिए उसको हम लोग मतलब वो यूज होता है किस किस में? कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो प्रेशर जो है कितना है, 300 ATM, तो प्रेशर भी बहुत हाई है। तो इस कंडीशन पर अगर ये रिएक्शन किया गया तो ये फास्ट होता है, जबकि रूम टेम्परेचर पर अगर ये, और ये सब जो है ये सब कोई नहीं था कैटलिस्ट, तो बहुत ही स्लो था वो, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब कोई रिएक्शन को हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ए और बी में, वेरी फास्ट और वेरी स्लो। अब नेक्स्ट है मॉडरेट। सही बात है, एक ऐसा होगा जो मॉडरेट होगा, नाम से ही क्लियर है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कम्स इन दिस कैटेगरी, तो मैक्सिमम रिएक्शन जो है इसी कैटेगरी में आता है, मतलब वो नॉर्मल स्पीड से, वो उसका जो स्पीड होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। व्हिच अकर्स एट अ मेजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर जो है मैक्सिमम रिएक्शन का जो स्पीड है वो नॉर्मल होता है, मीन्स मॉडरेट होता है, ठीक है। तो बहुत कम है जो ऐसा जो बहुत ही स्लो है, और बहुत कम ऐसा है जो बहुत ही फास्ट है, जैसे एसिड बेस और आयनिक का देखे थे वो बहुत ही ज्यादा फास्ट था, ठीक है। तो मैक्सिमम रिएक्शन इस कैटेगरी में आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी हमने बस दो लिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 डिकम्पोज होता है तो वाटर और ये H2O, ठीक है, तो इसमें ये बैलेंस किया हुआ है ऑलरेडी। और है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये हम लोग पढ़ते हैं उधर ऑर्गेनिक में, तो ये भी जो है ये सब नॉर्मल स्पीड से चलता है, ठीक है। तो ये जो है ये रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस का, मतलब ये एस्टर का हाइड्रोलाइसिस का, ठीक है। तो ये सी जो है ये है मॉडरेट, ये जो है मॉडरेट रिएक्शन है, मतलब इसमें स्पीड होगा नॉर्मल स्पीड रिएक्शन का, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल मेनली स्टडी अबाउट मॉडरेट रिएक्शन, तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? मॉडरेट रिएक्शन के लिए, ठीक है, मतलब स्पीड जो होगा उसका क्या होगा? मॉडरेट होगा, ठीक है। तो स्पीड जो है मॉडरेट होगा, तो एक था क्या, फर्स्ट क्या था पढ़े थे हम लोग? वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड पढ़े थे वेरी स्लो रिएक्शन, और ये है थर्ड मॉडरेट। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे नॉर्मल में, ठीक है। अब देखो ये जो है ये तीन ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है। ये है वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन, और ये है टाइम, और ये मतलब ये तीनों जो है, कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस पर और टाइम है एक्स एक्सिस पर। तुमको ये बताना है इस तीनों में कि कौन सा है वेरी फास्ट, कौन सा है वेरी स्लो, और कौन सा है मॉडरेट, ये बताना है तुमको। अब देखो ये जो है ये नीचे की ओर जो आ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है तो ये नीचे आ रहा है, मतलब क्या? ये है रिएक्टेंट का, शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा था ना, तो रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट घटेगा या बढ़ेगा? जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होगा?
जो रिएक्टेंट हमने लिया है वो फिक्स रिएक्टेंट लिया है, तो धीरे धीरे रिएक्शन जब आगे जाएगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। तो देखो सब में रिएक्टेंट जो है घट रहा है, तीनों में घट रहा है ना, टाइम आगे बढ़ रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मतलब इसमें जो है कौन सा होगा जो बहुत ही जल्दी घट रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत फास्ट हो रहा होगा ना। तो अब दिमाग लगाओ तीनों में कौन सा है फर्स्ट, क्या है, वेरी फास्ट या वेरी स्लो? वेरी फास्ट। देखो इसमें ये जो है टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये बहुत जल्दी घट गया, तो अगर बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन रहा होगा, तभी तो रिएक्टेंट बहुत जल्दी डिक्रीज हो रहा है, तो ये होगा वेरी फास्ट। ठीक है, अब उस दोनों में दिमाग लगाओ, ये है वेरी फास्ट रिएक्शन, उसमें बताओ उस दोनों में डी क्या होगा, मॉडरेट होगा, मतलब ये सेकंड नंबर ना, सेकंड क्या होगा, मॉडरेट होगा। सोच लो इस दोनों में एक है मॉडरेट और एक है वेरी फास्ट, सोच लो, ये सॉरी वेरी स्लो, बताओ कौन सा क्या होगा। अब देखो इसमें जो है इसमें टाइम देखो आगे बढ़ रहा है और ये रिएक्टेंट जो है ना डिक्रीज थोड़ा सा हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, देखो इतना टाइम बढ़ गया आगे लेकिन ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये वेरी स्लो है या वेरी स्लो है? ठीक है, तो ये होगा वेरी स्लो, तो वो अब बच गया क्या होगा, तो ये होगा मॉडरेट होगा। अब देखो अभी तो तुमने ये जो है लॉजिक लगा दिया कि ये दोनों हो गया तो वो मॉडरेट होगा, लेकिन सवाल है ऐसा क्यों होगा? तो उसमें देखो उसमें जो है बहुत फास्ट नहीं है क्योंकि सडनली बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, टाइम भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पीड से हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज भी हो रहा है, तो ये नॉर्मल स्पीड से बढ़ रहा है, मीन्स ये है मॉडरेट, राइट? तो ये है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें तो हम पढ़ रहे हैं क्या रिएक्शन के ये स्पीड मतलब रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं पहले, इसको शॉर्ट में ROR रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको रेट को R से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन और मोल्स और प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो रेट जो है रेट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। अब किस रेट से कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसको निगेटिव में थोड़े ना बोलेंगे, रेट किस रेट से हो रहा है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव में होगा ना, तो इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन में टोटल चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जैसे मान लो 5 मिनट या 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कुछ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट पहले था मान लो 10 मोल और अभी हो गया ये रिएक्टेंट जो है 5 मोल बचा है, तो इसका मतलब 5 मोल रिएक्ट कर गया, तो चेंज कितने का आएगा, 5 मोल का, और टाइम लगा मान लो 5 सेकेंड, तो 5/5 तो 1 आएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम निकाल लेंगे। अब देखो ये रिएक्टेंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं हम और प्रोडक्ट के टर्म में भी, अभी देखेंगे आगे हम, क्योंकि रिएक्टेंट अगर घट रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, ऑब्वियस है ना, रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, अगर रिएक्टेंट अगर बहुत फास्ट घट रहा होगा तो प्रोडक्ट भी बहुत ही फास्ट बन रहा होगा, सही बात है ना। जैसे मान लो आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो आटा से जो अगर रोटी बनाते हैं तो आटा अगर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या, रोटी बहुत जल्दी बन रहा है, कॉमन सेंस की बात है ना, तो अगर स्लो है रिएक्शन तो आटा भी बहुत जल्दी मतलब धीरे धीरे खत्म होगा, और आटा अगर बहुत धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो ये रोटी भी बहुत धीरे धीरे बनेगा, तो इसका मतलब तुम चाहे रोटी के टर्म में बात करो या मतलब रोटी बनने के टर्म में या आटा खत्म होने के टर्म में, बात एक ही है, समझ में आया? तो ये जो है ये रेट जो है, समझ में आ गया, तो ये चेंजिंग है। अब जो है ये तुम मोल के टर्म में भी ले सकता है, या गैस है तो प्रेशर के टर्म में या वॉल्यूम के टर्म में भी ले सकते हो। ठीक है, तो या लिक्विड है तब भी हम वॉल्यूम के टर्म में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिसके भी टर्म में बात करें, ये फिक्स है कि रिएक्टेंट का घटना फिक्स है, अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट घटेगा ही ना, बढ़ कैसे सकता है, तो रिएक्टेंट जो है घटते ही जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको क्या लिखेंगे हम, रेट इक्वल टू डी सी अपॉन डी टी।
ये सी मतलब है यहाँ कंसंट्रेशन, ठीक है, ये अब हो सकता है रिएक्टेंट का भी या प्रोडक्ट का भी, ठीक है, तो ये है कंसंट्रेशन और में चेंज, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन डीटी। और ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया, अब ये क्वेश्चन है। तो देखो अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में लिए तो रिएक्टेंट तो घट रहा है, तो रिएक्टेंट के टर्म में लेंगे तो हमेशा घटेगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा माइनस में ही आएगा। जैसे मान लो आटा 10 केजी है और वो अभी बच गया, मतलब वो मान लो अभी बचा है 6 केजी, तो कितना जो है कितना का चेंजिंग आएगा, 6 माइनस 10 तो माइनस 4, तो हम माइनस 4 नहीं बोलेंगे ना, हम तो 4 बोलेंगे। तो तुमको इसका मतलब, क्योंकि रेट हम 4 बोलेंगे, अगर मान लो 2 मिनट में इतना घटा तो 4/2 टाइम से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका मतलब पर मिनट जो है 2 घट रहा है, ये ना, मतलब पर मिनट की बात करें, 10 केजी था ना आटा, कितना था, 10 केजी लिए ना, 10 केजी लिए और ये 2 मिनट के बाद मान लो वो 6 केजी बचा हुआ है, तो 4 केजी खत्म हो गया, 4 केजी खत्म हुआ कितना, 2 मिनट में, तो इसका मतलब पर मिनट जो है 2 केजी खत्म हो रहा है, 4/2। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि -2 केजी खत्म हो रहा है, हम प्लस में बोलेंगे। तो प्लस में कैसे आएगा, जो हम 6-10 कर रहे हैं, यही ना, 6-10, 6 अभी बचा हुआ है और खत्म, पहले था 10, तो 6-10 और y अभी ये y क्या करेगा 2, क्योंकि 2 मिनट में खत्म हुआ ना, तो देखो ये माइनस में आ रहा है, तो हमको प्लस में चाहिए ना, तो माइनस लगा दो यहाँ, समझ में आया, तो यही इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो रिएक्टेंट के टर्म में लिखोगे तो माइनस लगाओगे, ठीक है, क्योंकि हमको ओवरऑल प्लस चाहिए, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखोगे तो प्रोडक्ट तो बढ़ता ही जाएगा ना, तो प्रोडक्ट तो प्लस ही रखेगा, मतलब प्लस ही रहेगा, तो उसमें तो प्लस ही रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये समझ में आ गया, ऐसा क्यों लिखे हम, ठीक है, चलो लिख लो इसको। चलो आगे लिखो, ग्राफ फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब ये ग्राफ है, इसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है, तो y एक्सिस पर है कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये है कंसंट्रेशन का सिंबल, और x एक्सिस पर है टाइम। अब देखो कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा और प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो इसमें जो है, इसमें देखो ये दो ग्राफ है, सब में दो ग्राफ है, और इसमें एक है रिएक्टेंट का और एक है प्रोडक्ट का। अब तुम खुद से दिमाग लगाओ कि कौन सा होगा रिएक्टेंट का और कौन सा प्रोडक्ट का, ये तीनों में तुम दिमाग लगाओ खुद से कि टाइम इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, जब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है उस टाइम, ओनली रिएक्टेंट। तो देखो तो टाइम इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, तो कौन है ऐसा जो नहीं है, मतलब जीरो टाइम पर ये किसका कंसंट्रेशन जो है वो जीरो है, ये वाला या ये वाला, किसका है जीरो, इस दोनों में, इसमें और इसमें, ये जो है ये ना, हाँ। तो ये जीरो है, जीरो। तो इसका मतलब ये जो है ये है प्रोडक्ट का, और ये देखो मैक्सिमम है रिएक्टेंट, तो टाइम जब आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट घटते जाएगा, हाँ। तो देखो घट रहा है ये, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये जो है ये है किसका, प्रोडक्ट का, वो बढ़ रहा है, और ये है रिएक्टेंट का, ठीक है। अब देखो इसमें कंटिन्यूअसली घट रहा है, और ये कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो ये है क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो ये है इरिवर्सिबल, क्योंकि ये वापस नहीं आ रहा, ये कंटिन्यूअसली जो है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और रिएक्टेंट भी कंटिन्यूअसली घट रहा है। अब इसमें देखो, इस दोनों में ये भी ग्राफ हम पढ़े थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसमें देखो क्या है, इसमें बताओ तो, इसमें भी कौन सा है रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो ये है प्रोडक्ट, और ऊपर का है रिएक्टेंट, क्योंकि वो कुछ ना कुछ था और वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ जो है इसके बाद एक लाइन है, ऐसा अगर ड्रॉ करो तो इसके बाद देखो दोनों पैरेलल हो गया, तो दोनों देखो पैरेलल हो गया, इसका मतलब क्या, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स हो गया, अब नहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम अगर आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये सब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से वो पीछे भी आ रहा है, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो जाता है, वो मतलब रेट इक्वल हो जाता है
केमिकल वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये जो है ये रिवर्सिबल है इसका मतलब, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है, अब इसमें देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें भी ये होगा प्रोडक्ट का और ये जो है ये है रिएक्टेंट का। अब देखो ये घटते घटते कुछ ज्यादा घट गया और ये भी बढ़ते बढ़ते कुछ ज्यादा बढ़ गया, लेकिन लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद देखो ये भी पैरेलल हो गया। तो ये भी जो है ये पैरेलल हो जाने का मतलब क्या, अब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ के बाद क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया ना। तो ये जो है अगर एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, तो इसके बाद कंसंट्रेशन जो है कॉन्स्टेंट हो गया और यहाँ पर भी देखो कॉन्स्टेंट हो गया। तो ये सब हम लोग केमिकल वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये भी है रिवर्सिबल का केस, इसमें जो है ये रिवर्स हो रहा है, तभी तो यहाँ पर आने के बाद जो है रेट जो है सेम हो गया है, ठीक है। यहाँ आने के बाद चेंज नहीं हो रहा है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसका मतलब जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से पीछे आ रहा है। बट इसमें कंटिन्यूअसली देखो बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली घट रहा है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, पैरेलल नहीं हुआ है कभी, इसका मतलब वो वन वे है, ठीक है, वो वापस नहीं आ रहा है, इसलिए इरिवर्सिबल है। और ये टू वे है, मीन्स वापस भी आ रहा है, इसलिए ये रिवर्सिबल है, ठीक है। और ये जो सिंबल है इसलिए इसके लिए हमने लिख दिया है ये कि सिंबल क्या है, कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कुछ नहीं बोला है, मतलब हम लोग मोलारिटी लेते हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पर केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखते हैं वन बाय वन। एलिमेंट्री जो है इसका मीनिंग क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो सीधा डिफिनेशन से क्लियर है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, सिंगल स्टेप में हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स में क्या है, मोर देन वन स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये भी इसको भी इसका भी मीनिंग समझ में आ गया। तो एक से अगर ज्यादा स्टेप होगा तो वो होगा क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ए से बी, ये कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट है ए और प्रोडक्ट है बी, तो ए से बी बन रहा है, तुमको पूछा कि ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है, तो तुम क्या बोलोगे, ये मतलब वन स्टेप या मोर देन वन स्टेप, क्या बोलोगे इसको देख करके, कैसा लगता है अभी जो है, कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है, यही क्वेश्चन है कि ए से बी जो है बताना है तुमको कि क्या मतलब ये रिएक्शन जो है वन स्टेप का है या मोर देन वन स्टेप का। तो अभी देख करके ऐसा लग रहा है क्या, ये मतलब वन स्टेप का, यही ना, क्योंकि एक ही ये रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट है ना, मतलब एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट जो है तो ऐसा लग रहा है कि ये है वन स्टेप का। तो ये क्वेश्चन है कि ये सिंगल स्टेप का है, मींस एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर जो है इसका है नो कमेंट, आंसर इसका जो है कि इसको हम बता नहीं सकते, ऐसा लगता है देख करके कि ये जो है ये है एलिमेंट्री सिंगल स्टेप, बट ये आंसर रॉन्ग है, ठीक है। जब तक हमको ये नहीं बता दे कि ये कितना स्टेप में हो रहा है, तब तक हम इसका आंसर नहीं दे सकते कि ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। जैसे मान लो अभी अगर ये वन स्टेप में है, इफ ए से बी इज सिंगल स्टेप रिएक्शन देन इट इज एलिमेंट्री, अगर सिंगल स्टेप है तब उसका नाम होगा एलिमेंट्री, वो तुमको दिया रहेगा, ठीक है, वो तुमको दिया रहेगा, खुद से हम नहीं सोच सकते, ठीक है। अगर ए से बी है क्या सिंगल स्टेप, देन इट इज एलिमेंट्री। इफ ए से बी इज मोर देन वन स्टेप रिएक्शन, अगर ये एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे क्या हम, कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो ए से सी और सी से बी, ये टू स्टेप में अगर हो रहा है, तो फाइनल जो है रिएक्शन जो होगा वो तो ए से बी ही आएगा ना, सी सी कैंसिल हो जाएगा ना, समझ में आ, ये जो है दो स्टेप का रिएक्शन है, लेकिन तुमको फाइनली यही दिखेगा जो यहां दिख रहा था, तो तुमको सिर्फ ये फाइनल जो है फाइनल स्टेप जो है में जो ये मतलब फाइनल जो है दोनों को ऐड करके जो आ रहा है तुमको, तो वही देगा तुमको, ये जो है फाइनल रिजल्टेंट क्या है वो दिखाएगा, स्टार्टिंग क्या था और एंड क्या था वो दिखाएगा। तो वो स्टार्टिंग और एंड को देख करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कितना स्टेप में हुआ होगा, ठीक है, तो ये हम बता नहीं सकते। तो ये क्या है, अगर ऐसा हुआ दो स्टेप में, तो इसका नाम होगा क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जब तक हमको ये नहीं बताया गया कि
कितना स्टेप में हो रहा है, मतलब हमको ये सारा इंफॉर्मेशन अगर नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो नोट में लिखा हुआ है, अनलेस मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड वी कैनॉट से अबाउट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। जैसे मान लो ये हमको पता है रोटी जो हम लोग बनाते हैं, तो रोटी बनाने से पहले रोटी क्या है, आटा से बनता है। लेकिन आटा से रोटी बनने मतलब आटा से जब हम रोटी बनाते हैं तो पहले उसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है ना। तो आटा को पहले पानी के साथ मिक्स करेंगे और फिर रोटी बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, इतना केजी आटा है तो बताओ कितना रोटी बनेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि बीच में पानी मिक्स किए तो वो कितना बना है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है। जैसे यहाँ ए है मान लो आटा और बी है रोटी, ठीक है। तो बी है रोटी या चपाती जो भी बोलो, तो ये है आटा और ये है रोटी। तो बीच में जो बना, बीच में ये सी बना, समझ में आया? तो सी बना, तो सी के बारे में हम बात ही नहीं करते। लेकिन ये वन स्टेप में नहीं हुआ है, आटा से रोटी बनना वन स्टेप में नहीं है, टू स्टेप में, समझ में आया? तो ये हमको पता नहीं है कि जब तक ये मतलब जब तक जो है, अब जिसने मान लो कोई रोटी खाया ही नहीं हो, जिसको पता ही नहीं हो रोटी के बारे में कभी, सिर्फ लिखा हो आटा से रोटी बन रहा है, तो वो नहीं बता सकता कि कितना स्टेप में रिएक्शन होगा, समझ में आया? हमको पता है कि आटा से रोटी बनता है तो बीच में मिक्सचर आता है, तब ना हम बता सकते हैं टू स्टेप में, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर ये पता ही नहीं हो, जिसने कभी रोटी खाया ही नहीं हो, ठीक है, तो जो कभी रोटी जानता ही नहीं हो, दूसरे कंट्री का लोग है जो रोटी कभी नहीं खाया हो, रोटी देखा नहीं हो, खाया भी हो तो देखा नहीं हो कैसे बनता है, तो वो तो नहीं बता सकता कि कितना स्टेप में हुआ होगा। इसीलिए जब तक हमको सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन पता नहीं हो तब तक हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो अनलेस मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड वी कैनॉट से अबाउट नंबर ऑफ स्टेप्स, क्लियर है। चलो आगे लिखो, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग पढ़ रहे थे क्या रेट ऑफ रिएक्शन, यही ना। तो ये सब जो है ये सब बीच में आ गया है, ये भी बताना जरूरी था, ठीक है, नहीं तो हम रेट ऑफ रिएक्शन से आगे डायरेक्टली ये इसको पढ़ सकते थे, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो या नहीं तो क्या करो, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखे हो नोटबुक पर, वहां से एरो दे करके यहाँ पर डॉट डॉट कर लो, मीन्स वो यहाँ से अब स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन था टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी, तो या मोल लो या प्रेशर या वॉल्यूम जो भी, तो वो था टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यही ना, मतलब अपॉन हम टाइम लेते थे, ठीक है। तो ये सेकंड में अगर ले रहे हो तो पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है, या मिनट ले रहे हो तो पर मिनट कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेट आया था क्या डीसी बाई डी टी, ठीक है। तो ये जो है अभी है क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड आर डैश, मीन्स ये जो है ये क्या है, ये जो ऊपर लगा हुआ है ये बार जैसा, तो ये जो है ये एवरेज को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, नाम से ही क्लियर है ना, ये एवरेज है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है। तो जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो एवरेज स्पीड, तो उसी टाइप का है, ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ सर्टेन मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये नाम से ही क्लियर है, अभी देखते हैं इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल से, पहले यहां तक लिख लो, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है P प्लस Q से बन रहा है M प्लस N। अब तुमको इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मान लो तुम ये रिएक्टेंट P के टर्म में बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये घटते जाएगा, यही ना, तो ये डिक्रीज होगा। लेकिन हमको पता है कि हम जो रेट लिखेंगे ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये डिक्रीज होते जाएगा, तो इसलिए इसमें हम क्या माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, चेंज, ये चेंज होगा कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो, और अपॉन टाइम में जो चेंज आएगा, मीन्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। और ये इसके टर्म में भी लिखेंगे तो उसको भी ऐसे ही, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट ही है ना। अगर प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा,
तो ये तो इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस होगा, प्लस डेल्टा एम बाय डेल्टा टी मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एम, ठीक है, और ये भी ऐसा ही ठीक है। अब देखो अगर मान लो रिएक्शन जो है ये है, रिएक्शन जो है इसका कोफिशियंट इस केस में वन था ना, और इस केस में वन नहीं है, क्या है, पी है, क्यू है, एम है और एन है, तो उस केस में जो एवरेज रेट होगा, ठीक है, उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लिख रहे हैं ये, तो ये इक्वल टू होगा ये माइनस वन बाई पी इंटू ये जो यहां आया था सेम मीन्स डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो अब देखो ये जो कोफिशियंट है ये यहां पर आ जाता है, क्या डिवाइड हो जाता है इससे, सिमिलरली इसमें भी देख लो क्यू से डिवाइड हुआ है, हाँ माइनस रहेगा ये, और इसमें देखो ये एम से डिवाइड हुआ है, इसमें एन से डिवाइड हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी ऐसा कोफिशियंट आ जाए तो उससे डिवाइड कर देंगे। अब सवाल है कि हम ऐसा क्यों करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है, ये जो है ये बुक में किसी बुक में मेंशन नहीं रहता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो एक बार बताओ तुमने कंपनी कोई खोला, ठीक है, कोई भी कंपनी खोला, तो तुमको ये जानना है कि उस कंपनी में जो अभी जो कोई रिएक्शन हो रहा है या लेबर जो है जो लोग है वहां पर, जो वहां पर इंप्लॉई है जो वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो वो जो है वो इंप्लॉई तुमको ये चेक करना है कि रिएक्शन का रेट जो है क्या है, तुमको जो है क्या है, मान लो 6 मंथ तक अगर रिएक्शन चला, 6 मंथ नहीं मतलब 2 मंथ तक अगर चल रहा है, तो तुमको बीच बीच में ये भी पता करना है ना कि सही चल रहा है या नहीं, क्या पता और लेट लग जाए। तो तुमको कभी भी क्या किया, अब उस कंपनी में जो है किसी भी किसी को मान लो वहां पर भेज करके क्या किया, बोला कि चेक करके आओ, वहां पर 5 मिनट रहना रैंडमली कभी भी, और 5 मिनट में देखना कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ऐसे ही रैंडमली कभी भी पहुंच गए वहां पर और वहां पर चेक किया कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो 5 मिनट में चेक कर लिए। तो तुमने क्या किया, किसी को भेजा, तो उसने क्या किया वहां पर जाकर के सैंपल लेके आया, 5 मिनट में जो है कितना चेंज हो रहा है। अब कोई गया तो कोई मान लो रिएक्टेंट का सैंपल लेके आया कि रिएक्टेंट जो है ना 5 मिनट में कितना डिक्रीज हुआ, कोई गया तो प्रोडक्ट का लेके आया, तो कोई किसी का भी ला सकता है ना, रिएक्टेंट में भी 2 है प्रोडक्ट में भी 2 है, तो कोई किसी का भी ला सकता है, तो फिर तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कंपेयर कैसे करें। मान लो तुमने एक इंप्लॉय को भेजा एक बार और वो रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट लेके आया, ठीक है, और अगली बार दूसरे को भेजा तो वो दूसरा रिएक्टेंट का डेटा लेके आया, तो तुमको तो कंपेयर करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि तुम जो है तुम कुछ लोगों को खिला रहे हो, ठीक है, तो खिला रहे हो दूसरे रूम में, और जो खाने का जो है जो भी आइटम्स है वो रखा हुआ है किचन में, तो कोई एक आदमी किचन में बैठा हुआ है, वो कभी भी आया नहीं है जहां पर लोग खा रहे हैं, लेकिन किचन से खाना खत्म हो रहा है, तो वो जो है ये उस कैलकुलेट कर सकता है कि किस रेट से जो है यहां से जिस रेट से खाना खत्म हो रहा है वहां उसी रेट से आदमी खा रहा होगा, लॉजिकल है ना, तो जिस रेट से खत्म हो रहा है उसी रेट से जो है आदमी खा रहा होगा जो भी गेस्ट है। तो या तो तुम खाने का डेटा ले लो किस रेट से आदमी खा रहा है, या खत्म होने का डेटा ले लो, बात एक ही है ना, समझ में आया। तो मान लो एक प्लेट में जो है, मान लो ऐसा कि एक प्लेट में जो है दो रोटी लेते हैं हम लोग, मान लो, और मान लो एक जो ये दो रोटी है और चार जो है ना, चार है सब्जी वेजिटेबल, और मान लो 3 है कुछ गुलाब जामुन, ठीक है, ये मान लिया मैंने कि दो रोटी लेते हैं, मान लेते हैं, और चार जो है चार क्या लिए हैं, चार मान लो सब्जी लिए हैं, तो ये रोटी है और ये सब्जी है वेजिटेबल, और 3 है गुलाब जामुन, मान लेते हैं, और भी होगा कुछ बट हमको उसका दूसरा का डेटा नहीं ले रहे हैं। तो ये एक प्लेट में इतना है मान लेते हैं, तो ये प्लेट जो है ये किचन से आ रहा है, ठीक है, एक प्लेट में 2 रोटी 4 वेज और 3 गुलाब जामुन, ये किचन से आ रहा है, और गेस्ट जो बैठा है उसको गेस्ट को दिया जा रहा है, ठीक है, तो एक गेस्ट इतना खा लिया। अब मान लो किचन से जो है अगर मान लो 4 रोटी और ये 8 वेज और 6 गुलाब जामुन खत्म हुआ, इसका मतलब 2 गेस्ट खाया होगा, समझ में आया। अब ऐसा है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन, मान लो सिर्फ सब्जी का डेटा है, किसी को तुमने भेजा, मतलब किचन में जो है 2-4 लोग है, तो वो जो है एक ने इंफॉर्मेशन लाया कि 5 मिनट में जो है मान लो 20 वेज या गुलाब जामुन के टर्म में बात करो, 5 मिनट में जो है मान लो ये क्या कहते हैं 12 गुलाब जामुन खत्म हुआ, तो अब बताओ कितने लोग खाए होंगे, 12 गुलाब जामुन खत्म हुआ तो कितने लोग खाए होंगे, कितना प्लेट यहां से गया, 4, तो वो डेटा लेके आया क्या 12, समझ में आया।
अब दूसरा कोई गया अगर डेटा लाने, तो वो मान लो इसका डेटा लेके आ गया रोटी का, तो रोटी कितना खत्म हुआ होगा? अगर ये 12 खत्म हुआ तो ये तो 8 खत्म हुआ होगा, ये 8 खत्म हुआ होगा ना, तो ये 8 खत्म हुआ होगा। तो कोई लाया इसका डेटा और कोई लाया इसका डेटा, और टाइम उतना ही है, तो टाइम अगर उतना ही है तो टाइम दोनों जो है, दोनों मान लो कितना टाइम, मान लो 2 मिनट में, 2 मिनट में मान लो इतना, तो 2 मिनट में दोनों के लिए टाइम सेम है, क्लियर? सेम टाइम में इतना भी ये खत्म हुआ, ये भी, ये कितना 12 खत्म हुआ तो ये 8 खत्म हुआ सेम टाइम में, तो ये दोनों क्या सेम है क्या? ये जो तुम लिख रहे हो इतना खत्म हुआ अपॉन टाइम, और ये भी इतना खत्म हुआ, वही तो है, कितना डिक्रीज हुआ, ये जितना खत्म हुआ उतना किचन से घट रहा होगा ना, तो डिक्रीज उतना ही हो रहा होगा ना। तो मान लो माइनस तुम लगा दिया, दोनों माइनस लगा दिया, ठीक है, लेकिन दोनों डेटा क्या सेम आएगा क्या? ये कितना रहा है -6 और ये -4, तो सेम नहीं आएगा। तो सेम तुमको करना है तो उसके लिए क्या है इलाज? ये जो है रोटी कितना लग रहा है 2, और ये कितना लग रहा है 3, तो तुम उससे ये किसका डेटा है? ये इसका है ना, गुलाब जामुन का, तो ये 3 से डिवाइड कर दो तुम, मतलब 1/3 कर दो यहाँ, और इसको 2 से डिवाइड कर दो कोफिशियंट से, तो 1/2 कर दो यहाँ, यहाँ 1/2 कर दो। अब देखो तो दोनों सेम है कि नहीं? अब देखो ये कितना आएगा, ये टर्म आएगा कितना, ये आ जाएगा इसको माइनस कितना, -3 आएगा, नहीं -3 नहीं, -2 आएगा, ये -2 और ये कितना आएगा, ये भी -2। तो अब देखो इसमें माइनस हम पहले से लगा हुआ है, तो -- प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस में है ना, तो ये माइनस जो है -- प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो देखो दोनों सेम आया, तो इन्फॉर्मेशन किसी का भी लेके आए, तुमको तो कंपेयर करने के लिए जो है सबको इक्वल करना पड़ेगा ना। तो अब जो है इसीलिए ये इस कोफिशिएंट से हम डिवाइड करते हैं, क्लियर? तो इसीलिए हम यहां पर इससे डिवाइड किए हैं, समझ में आया? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो क्या होता है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, यही होता है ना। तो जैसे बाइक चलाते हो तो बाइक पर जो है मीटर जो शो करता है तुमको, वो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग शो करता है स्पीड। तो ये वही है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, मतलब उसको आरटी से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे मान लो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन, ए से बी कोई रिएक्शन है, तो ए के टर्म में अगर हम बात करें, तो देखो ए के टर्म में बात करें तो क्या होगा, -∂A/∂t, माइनस क्यों, क्योंकि ये घट रहा है ना, और ये जो है ये डेल्टा टी जो है जीरो को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या, टाइम तुमको बहुत ही कम लेना है, तुम किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पर चेक कर रहे हो तो उसी इंस्टेंट का टाइम लेना है ना, तो ये जो डेल्टा टी जो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो ये तो ऐसे लिखो, या इसके टर्म में लिखोगे तो ऐसा लिखो प्लस में, या इसी को बोलते हैं हम लोग dA/dt, डी लगा दिया मतलब क्या, बहुत ही स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल गैप ले रहे हैं, तो ये dA/dt, वहां भी पढ़ते थे हम लोग dx/dt था ना। तो ये जो है ये ऐसे लिखो माइनस क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट का, और ये ऐसे लिखो तो प्लस, मतलब ये प्रोडक्ट का है। तो अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, वहां भी फिजिक्स में याद करो, ये वाई और ये एक्स एक्सिस है, तो dy/dx जो है स्लोप होता था, और वही स्लोप था वो, मतलब टेंजेंट था ना, वही उसी को हम स्लोप जो है, उस टेंजेंट जो ड्रॉ किया है जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट पर, जैसे मान लो इस पॉइंट पर यहाँ पर रेट निकालना है, तो यहाँ पर जो रेट होगा इस पॉइंट पर dy/dx मीन्स स्लोप निकाल देंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ किए और स्लोप निकाल दिए, तो वही होगा रेट, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, ये वाई एक्सिस पर है कंसंट्रेशन, तो dy/dt वही था ना वहां, अगर ये जो है डिस्प्लेसमेंट है तो ds/dt, मतलब वहां पर जो स्पीड हम निकालते थे, सॉरी वेलोसिटी, तो जो भी था फिजिक्स जैसा वैसा ही है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व गिव्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट है ये है क्या, कंसंट्रेशन, और ये है टाइम, मीन्स ये मोलारिटी और ये टाइम, तो मोलारिटी अपॉन सेकेंड, या मोलारिटी हमको पता है मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है एग्जाम्पल, ये कोई रिएक्शन है, तो ये जो है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी प्रोडक्ट बन रहा है ना, मतलब अपीयर हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस dB/dt, और ये
घट रहा है, तो ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डी ए बाई डी टी। हाँ, तुम यहां पर दिमाग लगाओगे कि इसमें हम 1 बाय बी क्यों नहीं किए, ऐसा सोच सकते हो ना, ये नहीं किया ना। तो देखो, अगर तुमको क्वेश्चन इसमें ये पूछे कि किस रेट से गुलाब जामुन घट रहा है, तो तुम तो सिर्फ गुलाब जामुन का डेटा लोगे ना, ऐसा तो नहीं कि उसमें भी तीन से डिवाइड करोगे। समझ में आ बात है? तुमको ये प्लेट जो है कितना जा रहा है वो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि किस रेट से गुलाब जामुन डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में तीन से डिवाइड करेंगे क्या? सिर्फ तुमको गुलाब जामुन मान लो आठ जो ये 12 खत्म हुआ 2 मिनट में, तो तुम बोलोगे कि हाँ पर मिनट 6 खत्म हो रहा है, उसमें तुम तीन से डिवाइड नहीं करोगे। समझ में, क्योंकि तुमको ये नहीं पूछ रहा है कि कितना गेस्ट खाया है, कितना प्लेट गया, तुमको ये पूछ रहा है ये गुलाब जामुन किस रेट से घट रहा है, तो सिर्फ उसी का लोगे इन्फॉर्मेशन। इसलिए सिर्फ हम बी का लिए हैं और यहाँ सिर्फ ए का लिए, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ये एग्जाम्पल जो है, अब इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, किसी एक पार्टिकुलर का नहीं पूछ रहा है, जैसे इसमें कंप्लीट प्लेट का पूछ रहा है तब हम कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, किसी एक पार्टिकुलर का पूछा जैसे गुलाब जामुन या रोटी तो फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसमें देखो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, मींस पूरे रिएक्शन का है ना, तो ये मतलब कंप्लीट प्लेट का पूछ रहा है, तो अब जो है हम डिवाइड करेंगे। समझ में, अब देखो जहां पर तीन है तो वहां पर थ्री, टू है तो टू, क्लियर। अब ये इसमें सारे गैस है, होमोजीनियस है ना, तो ये जो है सारे गैस है, इसीलिए हम ये इसको जो है कोरिलेट कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, वैलिड ओनली फॉर होमोजीनियस रिएक्शन, ये जो लिखे हमने सारा गैस टर्म है ना, तो कंसंट्रेशन जो है ये सब हम केमिकल वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर गैस के साथ कोई लिक्विड या सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, उसके लिए वन लेते थे हम, यहाँ सारे गैसेस है इसलिए हम ये लिख सकते हैं, तो ये ओनली फॉर होमोजीनियस रिएक्शन, क्लियर यहाँ तक। चलो लिख लो इसको, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा दें, यानी किसी को लिखना है तो लिख लो, इसको हम मिटा देंगे बाद में, ये तो बस समझाने के लिए था ना ये सब, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, 3A से 2B बन रहा है, ये है कोई रिएक्शन, तो पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ये चारों है ऑप्शन और ये नीट 2002 का क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या पूछ रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय इतना मोलर, ये है क्या कंसंट्रेशन है ना, एम आया है मोलारिटी के लिए, तो इतना मोलर इन 4 सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो पूछ रहा है NO2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, ठीक है, और NO2 क्या है, प्रोडक्ट है, तो जब टाइम आगे बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और रिएक्टेंट का घटते जाएगा, ठीक है, तो कंसंट्रेशन बढ़ भी रहा है इसका, इंक्रीज है ना, इंक्रीज हो रहा है इतना मोलर इन 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड में इतना मोलर, तो रेट पूछ रहा है, रेट मतलब क्या, पर सेकेंड, तो सीधा आ जाएगा आंसर NO2 का, ठीक है, तो ये जो है रेट मतलब फॉर्मेशन ऑफ जो है इसका, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 का, ये तो सीधा आंसर है, ठीक है, तो ये, और फिर क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का भी पूछ रहा है, देखो इन्फॉर्मेशन दिया है किसका, NO2 का, और पूछ रहा है तुमको O2 का, और क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो N2O5 तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये जो है इसका पूछ रहा है रेट, किस रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये चारों सॉल्व करो और ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ट्राई करो पहले खुद से, जल्दी करो। आगे आंसर, ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन, इसमें क्या है, सिंपल जो है इस दोनों के लिए रेट लिखना है और इसका कोफिशिएंट है कितना, ए का 3 और बी का 2, तो दोनों में रिलेशन क्या आएगा, ये 1/, ये जो है इसमें ए के लिए क्या आएगा 1/3, और ये रिएक्टेंट है ना तो वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस आएगा, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, तो क्या पूछ रहा है, डीबी बाई डी टी ना, तो डीबी बाई डी टी क्या होगा, इसको इधर ले जाओ तो -2/3 और डी ए बाई डी टी, तो आंसर विल बी बी, ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है। इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें एनओ टू का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ ना, एनओ टू जो है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ, इतना इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में इतना हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, इतना बाय 4, यही ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये ROF लिखे हम शॉर्ट में रेट ऑफ फॉर्मेशन के लिए, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो होगा ये होगा क्या, प्लस DNO2/dt, मतलब NO2 का जो है इंक्रीज हो रहा है किस रेट से वो लिखे हम, तो ये इक्वल टू क्या होगा, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 4 सेकेंड में इतना,
तो इतना इंक्रीज हुआ ना, चेंजिंग इतना हुआ, तो कितना है ये होगा कितना, ये जो है 1.6 इंटू इंटू 10^-2 अपॉन 4, 4 सेकंड है ना, तो ये जो है 4 सेकंड में कितना आएगा, ये 0.4 इंटू 10^-2, ठीक है, और ये मोलारिटी है और ये सेकंड है ना, तो यूनिट होगा मोलारिटी पर सेकंड, ये तो यूनिट तो पता ही है इसका, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। हाँ, आप कोई सोच रहा होगा कि इसमें जो है ये कोफिशियंट लगा है 4, तो हम यहाँ पर 1/4 क्यों नहीं किया, ये भी तो क्वेश्चन है। अब देखो, हमने जो है एग्जाम्पल बताया था ये प्लेट वाला, याद है, तो प्लेट का एग्जाम्पल बताए थे कि किचन से जो है, किचन में से जो प्लेट निकल रहा है और दूसरे रूम में गेस्ट खा रहे हैं, तो कोई आदमी किचन में जो है बैठ करके वो बता सकता है कि किस रेट से क्या डिक्रीज हो रहा है और कितने लोग खा रहे हैं, वो भी बता सकता है बिना देखे, क्योंकि किचन से किस रेशियो में जो है वो फूड निकल रहा है, मतलब फूड वहां से डिक्रीज हो रहा है, उससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अब देखो ये समझना है जरूरी कि यहाँ पर हम ये 4 को यूज क्यों नहीं किए, ठीक है, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। जैसे मान लो ये जो है ये क्या था डेटा, मैं भूल गया, जाने दो, कोई भी दूसरा डेटा ले रहा हूं मैं, तो ये मान लो एक प्लेट में मान लो 4 जो है, मान लेते हैं क्या 4 चपाती है, 4 मतलब रोटी, ठीक है, और गुलाब जामुन कितना कितना था, 2 था, एक एक प्लेट में, एक प्लेट में 2 था शायद, जो भी है, तो अब दूसरा ही डेटा लेता है, ये मान लो गुलाब जामुन है, और भी है कुछ, तो अभी हम उतना नहीं ले रहे हैं, बस 2 ही ले रहे हैं, और भी कुछ है, तो अब क्या हुआ, अब मान लो 4 प्लेट यहां से निकला, ठीक है, यहां पर यहां से 4 प्लेट निकला, तो प्लेट यहां से नहीं निकल रहा है, यहां से सिर्फ गुलाब जामुन निकल रहा है, प्लेट मान लो दूसरे रूम में रखा हुआ है, बाद में प्लेट में रखते हैं, तो यहां से गुलाब जामुन निकला, तो 4 आदमी अगर खाया होगा तो कितना गुलाब जामुन गया होगा, 8, और ये जो है ये अगर रोटी कितना गया होगा, 16, 16, तो अगर रोटी का पूछेगा कि बताओ रोटी जो है ये जो है किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, मान लो 2 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, 2 मिनट में जो है 16 रोटी डिक्रीज हो गया, तो रोटी किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 16/2 मतलब 8 के रेट से, यही ना, और ये पूछा है कि गुलाब जामुन किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, जब नाम मेंशन कर दिया, तो गुलाब जामुन कितना ये 2 मिनट में, अगर ये 16 गया होगा तो ये कितना गया होगा, ये 8 गया होगा, यही ना, 4 आदमी अगर खाया है तो 8 मतलब 4 आदमी के लिए अगर ले गया गया है तो ये जो है ये 8 गया होगा, तो 8 2 मिनट में, तो कितना ये इसका रेट होगा, 4 पर सेकेंड, मतलब मिनट अगर ले रहे हैं तो पर मिनट 4 जा रहा होगा, तो देखो दोनों डिफरेंट है, समझ में आया, तो ये जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये जो आया है ये पार्टिकुलर रोटी का आया है और पार्टिकुलर गुलाब जामुन का आया है, लेकिन ये जो है ये गेस्ट के नंबर से मैच नहीं करेगा, समझ में आया, गेस्ट का जो है गेस्ट गेस्ट जो है पर मिनट कितने गेस्ट खा रहे हैं, मतलब गेस्ट का जो नंबर है वो ये प्लेट इंडिकेट कर रहा है ना, कि प्लेट जो है प्लेट कितना जा रहा है, समझ में आया, एक गेस्ट एक प्लेट खाएगा ना। अब मान लो इसमें जो है, इसमें कुछ मान लो राइस है, राइस कितना है मान लेते हम 1 प्लेट, इसमें इसी प्लेट में एक एक जो है ना छोटा सा प्लेट है उसमें राइस रखा हुआ है, तो जितने गेस्ट है उतना राइस, तो वो एक्चुअल बताएगा तुमको नंबर ऑफ गेस्ट जो है जो है, तो ये मान लो राइस जो है मान लो कितना, ये 4 अगर गेस्ट है तो 4 राइस ना, तो 4 राइस जो है गया किचन से, तो इसका मतलब 2 मिनट में ना, इसका मतलब 2 मिनट में ये जो है कितना 4 राइस जो है खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब 2 मिनट में 4 गेस्ट खा रहे हैं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तो पर मिनट कितना गेस्ट खा रहे हैं, 4/2, तो 2, तो गेस्ट का खाने का अगर रेट पूछा वो है मेन, वो है एक्चुअल रेट, मतलब कितने प्लेट गए, तो 2 ही प्लेट गया, लेकिन क्वेश्चन तुमको ये पूछा कि रोटी किस रेट से घट रहा है या गुलाब जामुन किस रेट से घट रहा है, तो तुम आंसर ये नहीं दोगे, प्लेट 2 निकल रहा है लेकिन गुलाब जामुन कितने, 16 निकल रहा है, तुमको यहाँ को क्या पूछा है, NO2 का फॉर्मेशन पूछा है, पार्टिकुलर नाम दे दिया NO2 का, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछेगा तो ये कंप्लीट प्लेट के बारे में बोलेंगे हम, ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट प्लेट के बारे में नहीं पूछ रहा है कि कितने गेस्ट खा रहे हैं, कितना प्लेट गया, ये पूछ रहा है पार्टिकुलर ये मतलब रोटी के बारे में, ये जो भी है उसके बारे में, तो सिर्फ उसी का बताना है, ठीक है, तो अब देखो अब इसका कोफिशियंट कितना था, 4, अब मान लो तुम इस डेटा से तुमको ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है,
मतलब कितने गेस्ट खाए या कितना प्लेट गया, तो देखो इसका कोफिशियंट कितना है, चार। तो तुम यहाँ चार से डिवाइड कर दो, मतलब 1/4 कर दो, और इसका दो है तो इसका 1/2 कर दो। अब देखो ये मैच कर जाएगा इससे, देख लो अब मैच कर जाएगा। अब ये देखो, अब ये आएगा दो, और ये भी देखो दो आएगा, आएगा और ये भी दो। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से तुमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्लियर? ये तो समझाने के लिए था। तो अब जो है अगला आंसर बता दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का पूछ रहा है और तुमको इसका निकल गया। तो चलो अब ये तीनों जो है खुद से ट्राई करो, ये जो है ये तीनों ट्राई करो और फिर हम उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो जल्दी करो। आगे आंसर देखो इसमें क्या पूछ रहा है, सेकंड में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 पूछ रहा है। नाम मेंशन कर दिया ना कि पार्टिकुलर O2 का बताओ, तो O2 देखो, O2 जो है वैसे भी लॉजिक से हम सोच सकते हैं इसका 1/4 है, ये अगर 4 times है तो ये 1 time, तो इस बार जो है O2 का पूछ रहा है और इसके बारे में हमको पता है, तो इस दोनों को कोरिलेट करो, ठीक है? तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो होगा ये DO2/DT, और हमको पता है ये इक्वल टू होता है, इस दोनों को अगर कोरिलेट किए तो इसका रेट इंटू 1/4, ठीक है? तो वैसे भी लॉजिक से हम सोच सकते हैं जो भी इसका रेट होगा उसका 1/4 times होगा ये, ठीक है? तो अब इससे भी आ जाएगा, इसका हमको पता है वैल्यू, तो ये रख दो, तो ये आएगा 0.1 × 10^-2, ठीक है? थर्ड है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो N2O5 जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? तो अभी देखो नाम मेंशन कर दिया है कि N2O5 का क्या डिक्रीज हो रहा है, मतलब रेट जो है इसका पूछ रहा है कि ये किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो नाम मेंशन कर दिया है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है NO2 का, और अभी हमने O2 का भी फाइंड कर लिया है, तो इस दोनों से तुमको इसका फाइंड करना है, यही ना? इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं था ना, इस दोनों में से अब कोई भी डेटा यूज करके तुमको इसका फाइंड करना है। तो पहले इसको N2O5 को इस दोनों में से किसी से भी तुम रिलेशन फाइंड कर लो, ठीक है? तो ये जो है ये हमको पता है ये डिक्रीज हो रहा है ना, तो -1/2 क्यों आया, क्योंकि ये कोफिशियंट 2 है, अभी रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये इक्वल टू क्या होगा, अगर ऑक्सीजन से कर रहे हो तो सीधा DO2/DT, ये 1 है ना, तो 1 जो है कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से अब इसका वैल्यू आ जाएगा सीधा, और ये तो हमको पता ही है, इसका वैल्यू तो पता ही है, नहीं पता चल गया, तो ये सीधा आएगा क्या? हाँ देखो माइनस यहां पर रहेगा क्योंकि ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है डिसअपीयरेंस, तो ये माइनस रहेगा, और ये जो आएगा ये इक्वल टू E2 को इधर ले जाओ, तो ये वैल्यू आएगा। हमको पूछ रहा है N2O5 का, सिर्फ N2O5 का पूछ रहा है, तो सिर्फ हम N2O5 का लेंगे, ठीक है? कंप्लीट जो है रिएक्शन का नहीं पूछ रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट में पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब प्लेट, जैसे प्लेट की जो है अभी जो एग्जांपल दिया उसमें कितने प्लेट जा रहे हैं, कितना प्लेट जो है, तो वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है लेंगे, तो क्या करेंगे, अभी जो है कोई भी तुम लोगे इसमें से कोई भी लोगे तो उसका कोफिशियंट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई भी डेटा लो वो सब जो है कोई भी डेटा लो सेम ही आना चाहिए, तो जो भी ले रहे हो उसका कोफिशियंट भी लेना पड़ेगा। तो बेस्ट है क्या कि हम जिसमें वही नहीं कोफिशियंट उसको ले, तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आंसर आएगा। तो ये O2 वाला डायरेक्ट ले लो, तो ये डायरेक्ट हम ले लिए तो सीधा आंसर आएगा। तो इसका डेटा जो है कितना है, ये है 0.1 × 10^-2, तो ये आएगा। या तुम मान लो इसको लोगे तो इस बार 1/4 × करना पड़ेगा, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन और उसमें, ठीक है? जैसे मान लो कि प्लेट में अगर एक कुछ रहता, एक मान लो उसमें एक जो है राइस था ना, तो एक अगर राइस है तो जितना राइस जाएगा वो जितना राइस वहां से मतलब कम हो रहा है किचन से, उतना ही प्लेट उतने ही मतलब गेस्ट खा रहे हैं, तो इस बार जो है रेट जो है गेस्ट का वो मैच कर रहा है राइस से, जैसे यहाँ O2 का रेट मैच करेगा रेट ऑफ रिएक्शन से। लेकिन गुलाब जामुन का रेट मैच नहीं कर रहा था प्लेट, वो मतलब चेंज डिफरेंट था ना, तो यहाँ पर भी NO2 का मैच नहीं करेगा, ठीक है? इसलिए इसको लोगे तो इसको 1/4 करना पड़ेगा, ठीक है? चलो लिख लो इसको। ये है आज का होमवर्क, ये क्वेश्चन आया था नीट और जेई दोनों में, ठीक है? जेई मेंस और नीट में आया हुआ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये सीधा क्वेश्चन है, ठीक है? और ये इसमें क्या पूछ रहा है, CaCO3 है सॉलिड, और उससे बन रहा है क्या, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये है हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है?
ये होमोजीनियस नहीं है, ये देखो ये है होमोजीनियस और ये है हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इसके लिए क्या पूछ रहा है, राइट रेट ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसका, इस रिएक्शन का आपको रेट जो है लिखना है, ठीक है। मतलब ये इसके टर्म में, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में जैसा ये लिखा हुआ है ना वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।